दोस्तों आज हम असम के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसका अनाउंसमेंट कई साल पहले किया गया था और इन प्रोजेक्ट्स को लेकर लोगों के बीच काफी हाइप बना हुआ था। आज इन सब प्रोजेक्ट्स को एज ए फेल प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाता है, ना ही इन सब प्रोजेक्ट्स को लेकर कोई न्यूज और ना ही कोई बात करता है। लोग भी धीरे धीरे इन प्रोजेक्ट्स को भूलते जा रहे हैं। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए थे ये असम में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा था, जिसमें पहली बार नॉर्थ ईस्ट रीजन में हाई राइज बिल्डिंग, एक्सप्रेसवे और मेट्रो की बात हो रही थी, क्योंकि इससे पहले इस तरह का प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में कभी बना ही नहीं था। ये जितने भी प्रोजेक्ट थे सारे पहली बार नॉर्थ ईस्ट में बनने जा रहे थे, इसमें गुवाहाटी का ट्विन टावर्स, गुवाहाटी मेट्रो और ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेसवे शामिल है। ये पहली बार था जब कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में अनाउंस किया गया था, क्योंकि इससे पहले अगर रेस्ट ऑफ इंडिया से कंपेयर करें तो एक्सप्रेसवे, मेट्रो और हाई राइज बिल्डिंग रेस्ट ऑफ इंडिया में ज्यादातर हिस्सों पर बन रही है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए इन प्रोजेक्ट्स को लेकर लोगों के बीच हाइप बना हुआ था। तो आज इस वीडियो के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन प्रोजेक्ट्स का हुआ क्या, क्या ये प्रोजेक्ट्स बनेंगे भी और बनेंगे तो कब बनेंगे, और अगर नहीं तो इसके पीछे की रीजन को जानने की कोशिश करेंगे। तो अब जानते हैं एक एक करके इन प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गुवाहाटी मेट्रो के बारे में। दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है ये प्रोजेक्ट कितना एम्बिशियस प्रोजेक्ट था गुवाहाटी के लोगों के लिए। दोस्तों 29 फरवरी 2016 को असम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ले तरुण गोगोई जी के द्वारा असम कैबिनेट में इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था और इसके लिए एक बॉडी का भी गठन किया गया था जिसका नाम गुवाहाटी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रखा गया था। इतना ही नहीं इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन भी ले कर दिया गया था, इसके डीपीआर से लेकर इसके रूट का भी काम हो चुका था, जिसमें 203 किलोमीटर का मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जाना था। इसमें 4 कॉरिडोर के साथ 54 स्टेशन बनने थे और इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट रखा गया था 18,020 करोड़ रुपए। तो अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के फेल होने के पीछे का कारण। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के फेल होने के पीछे का सबसे पहला और बड़ा रीजन माना जाता है गुवाहाटी सिटी का पॉपुलेशन। लेकिन उससे पहले जानते हैं एक सिटी में मेट्रो रेल बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है। तो पहले क्राइटेरिया की बात करें तो जिस भी सिटी में मेट्रो प्लान किया जाता है उस सिटी की पॉपुलेशन होनी चाहिए 4 मिलियन यानी 40 लाख या उससे ज्यादा, जिसमें गुवाहाटी का पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास है। दूसरी क्राइटेरिया की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसमें मेट्रो के लिए पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर में होनी चाहिए मिनिमम 10,000, इसमें गुवाहाटी की पॉपुलेशन डेंसिटी है 2695 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि आप समझ ही सकते हो बहुत ही कम है। और तीसरा कारण और क्राइटेरिया की बात करें तो गुवाहाटी सिटी का एरिया। अगर अभी गुवाहाटी को इंडिया के बाकी शहरों जिसमें मेट्रो ऑलरेडी फंक्शनल है या अंडर कंस्ट्रक्शन है उससे कंपेयर करें तो गुवाहाटी सिटी का एरिया है 216.79 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें दिल्ली का है 1483 स्क्वायर किलोमीटर, मुंबई का है 603.4 स्क्वायर किलोमीटर, बेंगलुरु का है 741 स्क्वायर किलोमीटर। ये सब तो बड़े शहर है, अगर इनसे थोड़े छोटे शहरों की बात करें तो जयपुर 467 स्क्वायर किलोमीटर, अहमदाबाद 505 स्क्वायर किलोमीटर, कानपुर 260 स्क्वायर किलोमीटर। तो इन तीनों क्राइटेरिया में गुवाहाटी मेट्रो को सस्टेनेबल नहीं माना गया है, ये एक बड़ा रीजन है इस प्रोजेक्ट के फेल होने के पीछे। अगर इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट को अभी तक कैंसिल नहीं किया गया है। अगस्त 2022 को असम कैबिनेट में एक नई स्टेटोरी बॉडी गठन किया गया है जिसका नाम यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रखा गया है, जिसे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंडर रखा गया है। अब इस प्रोजेक्ट को गवर्न करेगी ये बॉडी। फिलहाल गुवाहाटी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम कर रही है ये बॉडी, और साथ ही बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी BRTS पर भी बातें हो रही है। तो इन फ्यूचर ये दो प्रोजेक्ट MRTS और BRTS दोनों ही बनते नजर आ रही है। अब दूसरे प्रोजेक्ट पे बात करते हैं जो है गुवाहाटी ट्रेड सेंटर या गुवाहाटी ट्विन टावर्स, जो थी असम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट। इसे गुवाहाटी के बेटकुची एरिया में बनाया जाना था और ये 65 स्टोरी की हाई राइज बिल्डिंग जो कि असम में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन का सबसे ऊंचा बिल्डिंग होने वाला था। इस प्रोजेक्ट के लिए फरवरी 2018 को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया गया था नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन यानी NBCC और असम गवर्नमेंट के द्वारा, और इस प्रोजेक्ट को 3 साल में कंप्लीट करने की बात हुई थी और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 1950 करोड़ था। और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस ट्विन टावर की कंस्ट्रक्शन के लिए 30 बीघा ऑफ लैंड अलॉट किया गया था। तो अब बात करते हैं इसके फेलियर होने के पीछे का कारण। दोस्तों इसके MOU के साइन होने के 3 महीने बाद
ICICI ने इस प्रोजेक्ट से मूव आउट कर लिया था। बेसिकली इसके फेलियर के पीछे दो रीजंस बताए जाते हैं। इसमें से पहला रीजन है ये एंटायर प्रोजेक्ट असम सरकार द्वारा आगे बढ़ाया जाना था फाइनेंशियली, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ लॉजिस्टिक्स बैकअप प्रोवाइड करने वाली थी न कि फाइनेंशियल पार्ट, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से असम सरकार फाइनेंस करने वाली थी। इसी वजह से असम सरकार को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ओर जाना पड़ा। इसमें असम सरकार द्वारा दो कंडीशंस रखे गए थे, जिसमें पहला है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए 30 बीघा ऑफ लैंड की कीमत 100 करोड़ फिक्स किया गया था, और दूसरा है इन्वेस्टर्स को 300 करोड़ रुपए एज एन एडवांस सिक्योरिटी देनी होगी। जिस वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर्स को ये चिंता होने लगी कि वो कैसे और कब रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जबकि उन्हें असम गवर्नमेंट को 300 करोड़ पहले ही देने होंगे। यही एक कारण है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और डेवलपर्स ने इस प्रोजेक्ट को नहीं चुना। अब दूसरे रीजन की बात करें तो कई डेवलपर्स को ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं लगा, उन्हें ये प्रोजेक्ट रिस्की लगा। क्यों, ये जानते हैं दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा असम एक हाई रिस्क अर्थक्वेक जोन है, जिस वजह से यहाँ इतनी ऊंची जो कि 65 स्टोरी बिल्डिंग है उसे ऐसी जगह बनाना जो हाई रिस्क अर्थक्वेक जोन 5 में आता है। वहाँ इस तरह की कंस्ट्रक्शन हाई रिस्क और बिल्कुल ही फिजिबल नहीं माना जाता है। ये भी एक मेजर रीजन है जिस वजह से मोस्ट ऑफ द कंपनीज इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से मना कर रही थी। अगर अभी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, ये सिर्फ पेपर्स पर ही जिंदा है, और फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट के बनने के चांसेस काफी कम लग रही है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी प्रोजेक्ट की ओर, जो है ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेसवे। इसे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सदिया से धुबरी तक बनाया जाने वाला था, जिसके लिए 40,000 करोड़ रुपए के इनिशियल कॉस्ट रखा गया था। ये एक 6-लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होने वाली थी। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अप्रूवल मिल चुका था और इसे NHAI बनाने वाली थी। ये प्रोजेक्ट भी बाकी प्रोजेक्ट की तरह सिर्फ पेपर पर ही जिंदा है। इस प्रोजेक्ट के फेलियर के पीछे सिर्फ एक ही मेजर रीजन निकल के आता है दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को रिक्लेम लेन जिसे ब्रह्मपुत्र को ड्रेजिंग करके बनाने की योजना सरकार की थी, पर ये बहुत रिस्की है क्योंकि हर साल असम में फ्लड की समस्या होती है। ब्रह्मपुत्र में ओवरफ्लो की वजह से जिस वजह से यहाँ ड्रेजिंग करके रिक्लेम लेन में एक्सप्रेसवे बनाना बहुत रिस्की काम था, क्योंकि मॉनसून में यहाँ सॉइल इरोशन की भी बड़ी समस्या है, जिस वजह से रिक्लेम करना और एक्सप्रेसवे को निर्माण करना एक एक्सपेंसिव और रिस्की प्रोजेक्ट है। तो यही एक कारण है जिस वजह से इस प्रोजेक्ट पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल नहीं हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट अब इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात कर रही है। इसे इसी साल असम सरकार NHAI और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें इस एग्रीमेंट के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र की ड्रेजिंग और एक्सप्रेसवे को निर्माण किया जाएगा, और पॉसिबिलिटीज है ये इसी साल से शुरू कर दिया जाएगा और हमें असम में भी एक्सप्रेसवे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ जाएगा। अगर आप इस एक्सप्रेसवे के रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं जल्द इस पे वीडियो लाऊंगा। तो ये रीजंस थे जिस वजह से ये तीन मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।